अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं तो इन दिनों एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को बता दें कि आगरा के अंदर दीपावली के दिन एक युवती के साथ में गैंगरेप की वारदात की गई। इसका आरोप युवती ने ही लगाया। जब ये वीडियो सामने आया है तो उस वीडियो के अंदर वह लड़की गिड़गिड़ाती हुई नजर आई है और अपील करती हुई नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो दिखाते हैं ये वीडियो के आखिरकार ये मामला क्या है और उसके बाद में युवती का क्या कुछ कहना रहा। अगर आप इंटरनेट से थोड़ा भी परिचित हैं तो आप आगरा में एक महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से अच्छी तरह परिचित होंगे। आगरा में एक महिला से गैंगरेप का वायरल वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा में है। इस वीडियो को लोग देख रहे हैं अधिक संख्या में। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से भी फैल रहा है, जिसके तहत कानून की मिसाल भारत की कई राज्यों में दी जाती है। तो आखिर इस राज्य में यह घटना कैसे घटी, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। पीड़ित महिला सुरक्षा के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आया। इस आर्टिकल में आप सबको बता दें कि उसके साथ में क्या हुआ, उसे न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यदि आप इस लेख और इस खबर को पढ़ रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस मामले में हो सकता है। दरअसल ये पूरी घटना यूपी के आगरा की है, जहां एक लड़की ने चार युवकों पर रेप करने का आरोप लगाया। ये मामला इतना गंभीर है, जिसने भी इसे देखा वो भावुक हो गया और महिला अपने बचाव के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाया तक नहीं। अब महिला को इसमें न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है और न्याय मिलेगा या नहीं यह देखने की बात होगी। ये होटल में मेरी सोसाइटी की बारिश के होम यहाँ पर एक लड़की चार लोगों ने अंदर रेप किया है। ये भाई साहब मेरा मेडिकल करा लो। ये बिल्कुल जो सोसाइटी की बात है लगा रहा हूँ, ये बहुत खून कच्चा पड़ी हुई है लड़की, ये बिल्कुल टोटी अनमेरिड के सामने जान निकल जाएगी। हाँ आप भाई साहब तुरंत आइए, और बिल्कुल इससे पहले भी मैंने बहादुर जी थे तब भी मैंने कहा था। उनका नाम बोलो जी। जीतू, रिया, ललिता, सोनू, विक्रम, इन सबको बंद कराइए। जबरदस्ती धंधा करवा रहे हैं, मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरा पैसा भी खाया इन्होंने, पास मेरे दादी खत्म हुई थी एक साल पहले, मेरा प्लॉट बिगाड़ा भैया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।